तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अभी देखिए सावा छो हो रहा है, शाम का सावा छो हो रहा है और अभी हम आ गए हैं छत पे टहलने के लिए। देख लीजिए आप लोग, और दोनों बच्चे गए हुए हैं कोचिंग। तो अभी हम, मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं हैं, दोनों बच्चे कोचिंग गए हैं, आएंगे साढ़े छः बजे आते हैं वो लोग। तो अभी मैं अकेले थी तो छत पे टहलने आ गई। और अभी हम जाएंगे तो कुछ बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता, तो थोड़ा देर 10 मिनट टहल लेते हैं पहले। और आप लोग को वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट करके पूछिएगा। और मैं क्या बोलूँ, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल नया है तो थैंक यू। और भी आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो आगे मैं देती रहूँगी, देखिएगा। तो थैंक यू, बाय। और इधर देखिए फ्रेंड्स, हम ना थोड़ा देर छत पे गए थे सुबह उठ के, और छत पे जा के इधर आई हूँ। तो मैं ये आटा निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि आज बच्चे लोग को ना रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात से ही बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी आज नाश्ता नहीं ले जाएंगे, रोटी नहीं बनाना। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो इधर देखिए, आज मैं निमकी बना दूँगी, बच्चे लंच में निमकी ही लेके चल जाएंगे, और हलवा बना दूँगी थोड़ा सा। तो निमकी के लिए मैं आटा को तैयार कर लेती हूँ। फिर देख लीजिए, रोज़ रोज़ बच्चों लोग को ना कुछ अलग अलग तरह का खाना चाहिए, रोज़ रोटी नहीं खाना चाहते हैं बच्चे लोग। तो मैं कुछ ऐसे कुछ 2-3 दिन बीच करके कुछ बनाती ही रहती हूँ बच्चे लोग के लिए। ये देखिए ऐसे, और इधर आटा सान दिए हैं। इधर मेरे हस्बैंड और मेरे लिए चाय भी बन गया है, देखिए सुबह का चाय। तो इधर मैं चाय को छान लेती हूँ, चाय बन चुका है। उधर मैं आटा सानने से पहले इधर चाय भी गैस पे चढ़ा दी थी, चाय बन चुका है, देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए, चाय को हम छान लेते हैं। इधर नीमकी के लिए तेल चढ़ा दिए हैं गैस पर, और इधर हम नीमकी को काट लेते हैं इसे बेल के। आप लोग कैसे बनाते हैं नीमकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दो तरह से बनाती हूँ, एक इस तरह से, एक और भी बार कभी बना के दिखा दूँगी आपको। अभी तो इस तरह से बना रही हूँ मैं, कट कर लेंगे, साइड वाला निकाल देते हैं इसीलिए कि उसका शेप अच्छा नहीं बनता है, ऐसे ठीक रहता है, ऐसे शेप में आ जाता है। नींबू को काट के उसको छान लेंगे। सुबह सुबह कभी कभी मन नहीं करता है कुछ हम बनाने का, रोटी में हम लोग को भी मन नहीं करता है रोटी बनाने को, तो ये सब चीज़ बना देते हैं। और बच्चे आज खा के भी कुछ नहीं जा रहे हैं, बोले कि खाना खाने का मन नहीं है। तो उधर मेरे हस्बैंड ही दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे, उधर ही यहाँ पे जूस वाले भैया रहते हैं, तो उसी से जूस पिला देंगे दोनों बच्चों को, स्कूल जाने ले पहुँचाने जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा नीमकी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के लिए, हम लोग को भी चाय के साथ हो जाएगा, मतलब कि अभी तो नहीं, शाम की चाय या थोड़ा सा कभी रख देंगे चाय। तो इधर देख लीजिए,
इसको हम छान लेंगे। तेल गरम हो चुका है तो इसको हम छान लेंगे। एक बार छान के निकाल लिए, दूसरा बार मैं छान रही हूँ इधर नीमके को। देखिए सारा नीमके छन गया। आप पूरा दिखाते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, मैं तो पूरा नहीं दिखा पाई। सारा नीमके छन गया। अब इसी कढ़ाई में हम तेल को निकाल के, गरम तेल को निकाल लेंगे इधर। इसी में हम हलवा बना लेंगे। देखिए केन में रिफाइंड को इधर निकाल लेंगे हम। इधर हम सूजी का हलवा बनाएंगे। थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। अभी घी नहीं है, घी खत्म हो चुका है, तो हम हलवा इसी में बनाएंगे। अभी सूजी को, पैकेट वाला सूजी है, इसको निकाल लेते हैं। इधर प्लेट में हम निकाल लिए सूजी को। थोड़ा सा सूजी का हलवा ना बनाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, फैलता है, तो हम थोड़ा सा ही सूजी लिए, ज़्यादा सूजी नहीं लिए हैं। आप लोग देखिए कितना हलवा हो जाएगा। थोड़ा सा हमको कम लग रहा था तो थोड़ा सा सूजी हम और भी डाल दिए इसमें। दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे और लेके भी चल जाएंगे। हम लोग को तो हलवा नहीं पसंद इतना, हम लोग मीठा उतना नहीं खाएंगे। सुहानी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा मीठा पसंद है सुहानी को बहुत ज़्यादा। उसको ना कुछ हमेशा कुछ रोज़ कुछ ना कुछ है मीठा वो बोलती हैं बनाने के लिए। हम इधर आज इसको यही बना देते हैं, फिर शाम में आएंगे तो उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और वही सब्ज़ी वगैरह वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है सब्ज़ी। इतना बड़ा हो गई है फिर भी, लेकिन उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। शुभम को उतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन सुहानी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको कुछ ना कुछ मीठा में चाहिए ही चाहिए। इधर हम हलवा बना लेते हैं। अब बच्चों को हम बाहर का खाना देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ बनाने का होता है तो ज़्यादा करके घर में ही बच्चे लोग के लिए बना देते हैं। लेकिन बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं तभी हम कुछ बाहर का वैसा कुछ मैगी या कुछ और भी चीज़ बनाते हैं या देते हैं लेके। लेकिन ज़्यादा करके हम कोशिश करते हैं कि घर में ही बना हुआ चीज़ बच्चे लोग को दें। सूजी भूज गया है, इधर हम पानी डाल दिए। देख लीजिए कितना सारा हलवा हो गया है। ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम इसलिए दिए इसमें क्योंकि थोड़ा सा पानी सोखता है, सीझता है, तभी अच्छा बनता है। अधेर देखिए शाम हो गया, शाम के 4 बज रहे हैं। अब हम चाय बना लिए हैं। इधर कुछ कपड़े थे कल के धोए हुए कपड़े, आज के तो छत ही पर डाला हुआ है, लेकिन कल के कपड़े थे उसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा हिम्मत बनता है वीडियो बनाने के लिए। हम सब कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। मैं किसी दिन आप लोग के साथ सारा मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं नहीं कर पाई,
आप लोग बोलेंगे कमेंट में, तो हमें ज़रूर आप